नमस्कार, चैतालीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लौकी की सब्जी बनाना। इसके लिए आपको चाहिए लौकी, टमाटर, राई, धनिया, कड़ी पत्ता, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, तेल, लहसुन और धनिया पाउडर, गरम मसाला और मूंगफली की चटनी। लौकी और टमाटर को काट लीजिए। एक कुकर में तेल गरम करके उसमें राई, लहसुन और कड़ी पत्ता डाल दीजिए। अब इसमें लौकी और टमाटर डाल दीजिए। इसमें हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल दीजिए। इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें मूंगफली की चटनी डाल दीजिए। मूंगफली की चटनी की रेसिपी आप हमारे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब इसे धीमी आंच पे ढक्कन लगाकर तेल छूटने तक पकने दीजिए। अब इसमें एक कप पानी डाल दीजिए। इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। इसे एक सीटी लगने तक पकने दीजिए। अब इसमें धनिया और गरम मसाला डाल के अच्छे से मिला लीजिए। आपकी लौकी की सब्जी अब तैयार है। हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।